खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से है, जहां सदर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने किया अपना नामांकन। नामांकन करने के पश्चात वह मीडिया से रूबरू हुए और सदर विधानसभा के विकास, शिक्षा, रोजगार समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत किया। कांग्रेस के नेता और प्रत्याशी डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने कहा कि वह रामपुर खास जैसा विधानसभा सदर को भी बनाना चाहते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने। क्योंकि संघर्ष बहुत लंबा है, सिर्फ एक मुद्दा रामपुर खास की तरह प्रतापगढ़ सदर विधानसभा को चमकाना है। कर्म पुरुष मेरे नेता, मेरे राजनीतिक गुरु माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी के को लेकर माननीय हमारी बहन, बड़ी बहन सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा मोना जी को लेकर, इनके विकास को लेकर हम सदर विधानसभा में लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं। और आज नहीं कर रहे हैं, 2019 के चुनाव हारने के बाद से लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से जनता प्यार और आशीर्वाद अपना दे रही है, आने वाले समय में चौंकाने वाला बहुत परिणाम आने वाला है। 2000 जो बीच में चुनाव हुआ था उसमें आप काफ़ी अच्छा मत पाए थे, क्या उम्मीद है इस बार? मैंने बताया ना कि रामपुर खास का विकास वो कोई प्रतापगढ़ जनपद में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जग जाहिर है कि प्रमोद तिवारी जी 9 बार एक ही पार्टी, एक ही सिंबल और एक ही सीट से लगातार जीत कर जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, हम उनके चेले हैं और उसी पर काम करेंगे। नौजवानों में काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं, यदि आप चुनाव जीतते हैं तो नौजवानों के लिए क्या करेंगे? नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, और रोजगार के लिए अपना आंवला जो प्रतापगढ़ का, प्रतापगढ़ से जाना जाता है, प्रतापगढ़ की पैदाइश है, जिसे कि आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले मैं एक रोजगार के लिए, नौजवानों के लिए, आंवले के लिए एक बड़ी इंडस्ट्री लाने का काम करूंगा, उसके लिए लड़ाई मेरी जारी रहेगी। धन्यवाद।